जी, मेरा नाम नीलम दिवस है, मैं छत्तीसगढ़ जिला बस्तर से आई हूँ। मेरे गांव का नाम हाटगुड़ा है। आप डीडीयू जीकेवाई का ट्रेनिंग कहाँ से लिए थे? सर, मैंने श्री गंगा जल एजुकेशन सोसाइटी से डीडीयू जीकेवाई का जो ट्रेनिंग दी है। आपका डोमेन क्या था? सर, हम लोग का डोमेन था सीसीटीवी सुपरवाइजर। ठीक है, कैसा लगा ट्रेनिंग आपको? सर, बहुत ही अच्छा था। हमने 6 महीने की ट्रेनिंग ली। हमें सीसीटीवी के बारे में कभी पता नहीं था, हम लोग कभी छुए भी नहीं थे। उन सबका हमने प्रैक्टिकली हम लोग को बेसिक नॉलेज दिया गया। उसके थ्रू मतलब सॉफ्ट स्किल की भी पढ़ाई की गई, हमें कंप्यूटर भी सिखाया गया। और सब हम लोग को पढ़ाते समय प्रोजेक्टर का भी यूज़ किया गया, हम लोग को अच्छे तरह से समझाया गया। उस पूरे ट्रेनिंग के दौरान आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सर, वैसे तो हम लोग कभी पढ़े नहीं थे, जानते भी नहीं थे, बस देखे थे टीवी में कि कैमरा होता है, ऐसा होता है वो। लेकिन सबसे अच्छा ना हम लोग को लगा कि सीसीटीवी जो है वो ट्रेड सबसे अच्छा है। अच्छा, उसके बारे में जानने से लिए ना जी। आप अभी कहाँ आए हो? सर, अभी हम किटेक्स गारमेंट कंपनी में। किटेक्स गारमेंट कंपनी में आप यहाँ ओजीटी के लिए आए हो या फिर जॉब के लिए आए हो? हम लोग का ओजीटी कंप्लीट हो गया सर, हम लोग का प्लेसमेंट हो गया। प्लेसमेंट के लिए आप आए हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है यहाँ पे? सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको सैलरी के बारे में क्या बताया गया है? हम लोग को सैलरी के बारे में इतना बताया गया कि हम लोग को 9,000 रुपये मिलेगी ESIC और PF कट के हम लोग के हाथ में 8,200 रुपये आ जाएंगे। मतलब PF और ESI कट के आपका 8,200 हाथ में आएगा जी। ठीक है, आप वर्क प्लेस पे गए थे? यस सर, गए। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है सर, वहाँ पे AC लगा हुआ है, बड़ा सुकून सा लगता है। बड़ा सुकून लगता है वहाँ पे काम करते हुए, अच्छा लगता है। अच्छा, हॉस्टल कैसा है आपको, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है? सर, बहुत ही अच्छा है हॉस्टल, वहाँ पे भी सोने के लिए बड़ा सा अच्छा सा गद्दा मिला हुआ है और कपड़े उपड़े सब जितने हम लोग के सामान है वो रखने के लिए हमारे बेड के नीचे मतलब साइड में ही कवर्ड दिया हुआ है, वहाँ पे हम अपना सामान रखते हैं। और साफ सफाई कैसा है वहाँ का? सर, बहुत ही क्लीन है, बाथरूम भी बहुत ही क्लीन है, सब चीज़ अच्छी है। अच्छा, कैंटीन कैसा लगा आपको? सर, कैंटीन भी बहुत अच्छा है, हम लोग को 4 टाइम खाने मतलब सुबह शाम नाश्ता मिलता है और रात को डिनर में खाना मिलता है और दोपहर में लंच मिलता है। आप वेज खाते हो या नॉन वेज खाते हो? सर, मैं वेज। वेजिटेरियन हूँ आप, तो आपके लिए खाने के लिए क्या क्या मिल रहा है आपको? सर, खाने में अलग से सब्जी, 2 टाइप की सब्जी रहते हैं, दाल रहता है और अदर सब्जी अचार। 2 तरह की सब्जी है, साथ में दाल भात जो भी है वो आपको मिलता है। ठीक है, और जो लोग वेज नॉन वेज खाते हैं उनके लिए क्या क्या है? सर, नॉन वेज वालों के लिए दिन के टाइम होता है चिकन सब्जी रहता है और रात को मछली बनता है। मछली बनता है, ठीक है। आपको यहाँ पे कैसा लगा, मतलब कि घर की याद आती है आपको? सर, कैसे नहीं आएगी, आती है, लेकिन उन्हीं के लिए तो आए, उन्हीं की खुशी के लिए आए हम, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं इसलिए इतने दूर आए। कभी सोचे भी नहीं थे कि हमें इतना दूर जाके कुछ करना होगा, बोल के उनकी खुशी के लिए हम। अगले 1 साल के लिए आप क्या सोचे हो, 1 साल में क्या करना है आपको यहाँ पे काम करके? सर, यहाँ पे अच्छे से काम करना है और अपने घर की मतलब जो स्थिति है उनको थोड़ी सुधार करना है। घर की स्थिति को सुधारना है। आपके दोस्त आपको देख रहे हैं, कि आप अपने दोस्तों के आपको कुछ बोलना चाहोगे? सर, मैं अपने दोस्तों से बोलना चाहती हूँ कि वो भी यहाँ पे आए और यहाँ पे जो सुविधा मिल रही है उन सबका लाभ उठाएं। हम लोग को यहाँ पे डेली काम नहीं कराया जाता, संडे संडे को छुट्टी मिलती है, घुमाने लिए जाया जाता है और यहाँ पे खेलने के लिए भी ग्राउंड है। यहाँ इधर देखिए, ये इधर ग्राउंड है, घूमने के लिए इधर हम घूम सकते हैं, साइकिल दी जाती है, कुछ भी खेल सकते हैं यहाँ पे। और संडे के दिन बाहर घुमाने ले जाया जाता है, जहाँ पे हम अपने पसंद की शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू।